किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत नवाहल। जैसे कि आप सब जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में बातचीत करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उस योजना के बारे में जिस पर आज हम किसानों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्री परिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य। योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान, सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा, राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करे।
ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त, इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास, सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी, स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हाथरस के मगटई गांव में। तो आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मगटई गांव में और बहुत से गांववासी यहां पर मेरे साथ आज मौजूद हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जानने समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में गांव वाले कितनी जानकारी रखते हैं, क्या उन्होंने अपनी फसलों का बीमा करवाया है या नहीं करवाया है, कितना लाभकारी है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इस सब के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निकट के कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर श्याम सिंह जी। तो आइए गांव वालों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। नाम महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, आप ये बताएं आप कितने समय से खेती कर रहे हैं? 40 साल के लगभग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, आपको क्या लगता है कितनी सफल है ये योजना? सफल तो कोई भी खास हुई योजना नहीं है, क्योंकि केसीसी लेते हैं और केसीसी फसल बीमा का पैसा भी देना पड़ता है, वो भरता अभी तक किसी को मिला तो है नहीं। कोई फसल बीमा जो हमारा है अभी किसी को मिला तो है नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या जानकारी रखते हैं आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, किस बारे में है ये योजना? जी, फसल बारे में, फसल के जो मानो ओलावृष्टि हो जाए या पाले से खत्म नष्ट हो जाए, देव आपदा होती है उसके लिए होता है, और जब हो जाती है तो पैसा मिल भी जाता है, एक बार जब कभी थोड़ा बहुत मिलता नहीं मिला तो भी नहीं भी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके गांव में क्या लोगों ने ये बीमा ले रखा है फसलों का? अभी तो मालूम नहीं है, वैसे किसी नहीं, केसीसी कराते हैं उसी में इसे भर देते हैं, भरते हैं, वैसे तो भी किसी किया नहीं अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए अपने सफर को आगे बढ़ाएं, आप भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आप भी अपना नाम बताएं। गेंदा सिंह रावत जी, आप हमें ये बताएं कि आप कितनी जानकारी रखते हैं फसल बीमा के बारे में? देखिए, बीमा योजना जब से शुरू हुई है, लेकिन ये नई बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा जो संचालित की जा रही है, इसमें सबसे बड़ा खास ये है कि एरिया जो पहले बढ़ता था अब ग्राम स्तर पर ले लिया गया है। जो भी हमारी फसलों में क्रॉपों में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भारत सरकार के द्वारा इंश्योरेंस के माध्यम से होती है, चाहे वो केसीसी धारक हो अथवा बिना केसीसी वाला हो, प्राइवेट सेक्टर से भी हो, उसको भी बीमा का क्लेम उसको प्राप्त हो जाता है। आप भी काफ़ी सालों से खेती कर रहे होंगे, आप ये बताएं कि पहले फसलों का बीमा इस तरीके से नहीं किया जाता था, तो अब आपको पहले में और अब में क्या जो अंतर है वो नज़र आता है? बहुत बड़ा अंतर है, पहले तो कोई सुनवाई भी नहीं थी, लेकिन अब जो है दैनिक दियर जो इसकी सुनवाई हो जाती है, 72 घंटे के अंदर या 48 घंटे अंदर हमको सूचना देनी पड़ती है केसीसी वालों के बैंक के लिए अथवा बीमा कंपनी के लिए या अपने क्षेत्र के जो विकास खंड अधिकारी हैं उनके द्वारा या DM के कार्यालय तक हमारा फर्ज बनता है सूचना देने का।
आप ये बताएं, क्या जो निकट का कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से क्या समय समय पर विशेषज्ञ आके आपको तमाम जानकारियाँ पहुँचाते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने KVK वालों का कि जिन्होंने समय समय पर आकर के इस गांव में और हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा हमारे किसान में अंतर कर दिया है, जिसमें डॉक्टर AK सिंह जी हमारे प्रभारी हैं, आजकल डॉक्टर श्याम सिंह जी हैं, डॉक्टर SR सिंह साहब हैं जो आजकल थोड़ी तकलीफ में दिल्ली पड़े हुए हैं, लेकिन पूरी टीम आ गई। अब एक होम साइंस से भी यहाँ पर जो लेडीज आ चुकी हैं वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग देने आ रही हैं, उन्होंने डेट दी है, अभी DD साहब ने दी नहीं है। लेकिन जो है KVK से सबसे बड़ा स्वाद हमें ये मिला है कि मृदा कार्ड, उन्हीं के माध्यम से हमारा जो मृदा जो गड़बड़ा रही थी, स्वास्थ्य गिर रहा था, जिसका जीवांश कार्बन डाउन हो रहा था, जो कि हमारा पहले 8 से ऊपर था लेकिन आज 2.4 के करीब रह गया है, तो विज्ञान के माध्यम से हम आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्याम सिंह जी खुद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर श्याम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या समझाना चाहेंगे आप किसानों को जिन्हें तमाम जानकारी नहीं है इस योजना के बारे में, और किस हद तक ये योजना इस गाँव में जो है वो पहुँच चुकी है, लोग कितनी जानकारी रखते हैं? किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल कृषि बीमा योजना जो है ये 2014 से लागू है अपने यहाँ पर, और जो नई योजना के तहत जो कार्यक्रम है जो जो हमें करना है वो इसमें ये करना है कि जो किसान भाई बैंक से ऋण लेते हैं, जिसको हम ऋणी कृषक कहते हैं, उनका फसल की बीमा का जो प्रीमियम है वो तो बैंक वाले स्वयं काट लेते हैं ऋण लेते समय, लेकिन जो ऐसे किसान भाई हैं जो संपन्न हैं, जो ऋण लेना नहीं चाहते हैं, उनके लिए मेरा कहना ये है कि वो स्वयं अपने निकटतम बैंक में जाकर के जहाँ उनका खाता संचालित हो रहा है जाकर के इस विषय में वहाँ के प्रबंधक से बात कर सकते हैं कि मुझे ये वाली फसल बोनी है और इसकी प्रीमियम राशि मुझे बताई जाए जिससे मैं जमा कर दूं, उसको बैंक में जमा करके उसका एक प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें और उनसे अनुरोध करें कि मेरे इस प्रीमियम को संबंधित जो हमारी बीमा कंपनी है फसल बीमा की उसके खाते में जमा कर दें, जिससे उनकी फसल बीमित हो जाएगी। और इसके अलावा जो फसल बीमा के लाभ हैं उनके बारे में हम समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने जनपद के किसान भाइयों को अवगत कराते रहते हैं, जिसमें प्रमुख बात यह है कि वो अपनी फसलों का बीमा कराएं और बीमा कराने के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि क्या हमारी बीमे की राशि संबंधित कंपनी में पहुँच गई है या नहीं पहुँच गई है, इसके लिए संबंधित बैंक का प्रबंधक जिम्मेदार है, और उसके बाद नुकसान की स्थिति में किसी दैवीय आपदा की स्थिति में किसान भाई को चाहिए कि वो 24 घंटे के अंदर अपने निकटतम बैंक जिस जहाँ से हमने बीमा कराया उसके प्रबंधक से को सूचित करें, या कृषि विज्ञान केंद्र में सूचित करें, या जिला कृषि अधिकारी के यहाँ भी इस सूचना को दे सकते हैं, या निकटतम अपने विकासखंड में जो आपका सहायक विकास अधिकारी है कृषि का उसको हम लोग इसकी सूचना दे सकते हैं, जिससे कि बीमा कंपनी वाले समय पर आकर के उसका निरीक्षण कर लें और अपनी रिपोर्ट लगा के हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित कर सकें। अच्छा साथी, ये भी बताएं कि इसके अंदर कौन कौन सी फसलें हैं जिनका चयन किया जा सकता है, जिनके ऊपर बीमा जिनका करवाया जा सकता है, वो ऐसी कौन कौन सी फसलें और क्या किसान इसके बारे में जानकारी रखते हैं? किसान भाइयों, वैसे तो इस क्षेत्र में उगने वाली सभी फसलों को बीमा के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन बीमे की राशि के अलावा बीमे की फसल के अलावा इनमें जो प्रीमियम की राशि होती है उनकी दरें अलग अलग हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारी उद्यान वाली फसलें हैं उनमें बीमा राशि करीब 5% होती है, और जो हमारी रबी की फसलें हैं उनमें 2% होती है, और जो खरीफ की फसलें हैं उसमें 1.5% का प्रीमियम हमें जमा करना पड़ता है। और इसी प्रकार से आपकी KCC की जो सीमा है वो भी तय करते हैं हमारे बैंक के प्रबंधक महोदय। उसके अलावा किसान भाइयों, जो अगर आप किसान खेती का चयन करते हैं या फसल का चयन करते हैं, उस समय इस बात को जिला कृषि अधिकारी के यहाँ जाकर के यह अवश्य देख लें कि आपके गांव में कौन कौन सी फसलें नामित हैं। इसकी एक सूची जिला कृषि अधिकारी के यहाँ उपलब्ध है, उस सूची के हिसाब से ही बीमा जो है फसलों का तय होता है। ऐसा ना हो कि आपने जो फसल चयन की है उसका उस सूची में नाम ना हो, इस स्थिति में आपका ना फसल का बीमा होगा और ना ही आपको उसका लाभ मिल पाएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किसानों से बात की और उन्होंने कुछ किसानों ने यही वाली बात कही कि हमें फसल जो बीमा है उसकी राशि अब तक मिली ही नहीं है, तो इस केस में आप क्या बताना चाहेंगे? इसमें बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है किसान भाइयों, बीमे का मतलब होता है कि जब कोई आपदा आएगी
आपदा का प्रकार हो सकता है, ओला पड़ जाए, अति बारिश हो जाए, या फिर आप फसल बो ही ना पाएँ, या फिर फसल खलिहान तक पहुंच जाए तब कोई नुकसान हो जाए, और खलिहान में पहुंचने के बाद भी भंडारण तक पहुंच जाए उस वहां तक भी 10 दिन तक हमारी फसल का बीमा कवरेज रहता है। और इस दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है, जैसे आग लगना, बारिश आना, ओले आना, फसल का न बो पाना, तभी उन्हीं परिस्थितियों में हमें बीमे का लाभ मिलता है। जो हमारी राशि कटती है प्रीमियम की, वो वापसी वाली नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्याम आप तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर श्याम से अभी आपने बहुत सी जानकारियां हासिल की, कौन कौन सी फसलों का चयन जो है वो किया गया है बीमा के लिए, और किन परिस्थितियों में जो है वो बीमा की राशि जो है वो आपको मिल सकती है वापस। कुछ और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं बात करना चाहूँगी। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गीतम सिंह है, मकई का रहने वाला हूँ। जी गीतम सिंह जी, यहाँ पर अभी तमाम जानकारी दी डॉक्टर श्याम ने, आप क्या बताना चाहेंगे, आपके नज़रिए से कैसी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल योजना वैसे अच्छी है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाए सही ढंग से अधिकारियों से, ग्रामीण वालों से, किसानों से, तो अच्छी है, और नहीं तो कुछ नहीं है। पहले से भी ऐसे लोग आए बता रहे हैं कि पहले आपदा हुई थी, ओले पड़े थे, उसका कुछ भी नहीं मिला है आज तक। अगर अधिकारी लोग समझे तो इसका कुछ प्रयोग है, नहीं तो कुछ नहीं। आप लोग समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं? हाँ देते हैं, कुछ हमारे यहाँ के किसान मित्र हैं, वो जाते रहते हैं, आते रहते हैं, कभी यहाँ मीटिंग भी होती है, कभी कई बार मीटिंग भी हुई है, लेकिन उनको भी बताया, लेकिन कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। डॉक्टर श्याम आपके पास वापस चलेंगे, ये जो बात हो रही है कि कोई सुनवाई नहीं होती, इसके बारे में किस तरीके से जो है किसानों को पता चल पाए, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाएं और वहाँ उनकी बात रखी जाए और सुनवाई हो सके, उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सके? जहाँ तक फसल बीमा का सवाल है, तो फसल बीमा के संबंध में जो नोडल अधिकारी हैं, जिला कृषि अधिकारी होते हैं किसी भी जनपद में, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक इनका जो ये प्रश्न है कि पीछे ओले पड़े थे, हमें उसकी भरपाई नहीं मिल पाई, उस संबंध में अभी कार्रवाई चल रही है। पीछे कुछ बजट आया भी था, जैसा कि हम लोगों को मीटिंग में जाने पर मालूम होता रहता है। कुछ गांवों में इसका वितरण हुआ भी है, हो सकता है इस गांव का नंबर ना आया हो, लेकिन धन के अभाव में ऐसा हो सकता है। लेकिन जो हमारी बीमा की योजना है वो निश्चित रूप से सफल है और समय समय पर हमें इसका लाभ जरूर मिलेगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मजाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूल, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती? देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में, तो आइए अपने सफर को आगे बढ़ाएं। वही कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम? सोहनलाल है मेरा नाम। सोहनलाल जी, आप कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं? गेहूं करते हैं, आलू करते हैं, कपास की खेती भी होती है और लहाया भी होता है और बाजरे की खेती होती है जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके नज़रिए से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसी है, इसके क्या क्या लाभ हैं, किस तरीके से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है ये? इसमें
जो है बीमा में जो है फ़ायदा तो है, लेकिन फ़ायदा मिल नहीं पाता है किसान को, क्योंकि वहाँ से जानकारी आती है तो वो जानकारी दे के ही चले जाते हैं। अभी तक ओला पड़े उसके पैसे अभी तक नहीं आए। और जो है कृषि वाले आते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो बता तो जाते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है, पूरा लाभ नहीं मिलता। ओला पड़ने से आपकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी? हाँ, एक बार तो ओले पड़े थे, पूरी नष्ट हो गई थी। तो उसमें और पिछली साल सूखाग्रस्त हुआ था, तीसरी साल उसके भी मुआवजा नहीं मिला अभी तक कुछ, तो उसका भी मुआवजा नहीं मिला है अभी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्याम। आपसे अंत में जानना चाहेंगे इसके बारे में भी, जो हमारे किसान हैं दुखी हैं कि ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गई, सूखा पड़ने से फसल नष्ट हो गई, मुआवजे का पैसा नहीं मिला, क्या कारण हो सकता है? उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है पैसा आया था, लेकिन कुछ सीमित पैसा था, कई चरणों में पैसा आना था ये, तो इस ज़िले में भी कई गांवों में इसका वितरण हुआ है, लेकिन हो सकता है इस गांव का नंबर ना आया हो, वो निकट भविष्य में आएगा, ये देर है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा इनको, उनका जो बीमा का क्लेम है वो अवश्य मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर किसानों को संतुष्ट थोड़ा रहने की ज़रूरत है, थोड़ा यहाँ पर धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है कि अगर उनकी फसल नष्ट हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर उन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया हुआ है, तो उनको उनकी फसल नष्ट होने पर जो पैसा है, मुआवजा है, वो यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और लगातार निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, वो हमारे किसानों की हर चरण पर मदद करते ही रहते हैं। तो किसान साथियों, आज आपने जानकारी हासिल की सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के संबंध में। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और सरकारी योजनाओं और एक नए गांव के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।